देखिए दोस्तों, मैं आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। ये हमारी चक्की की मोटर है, देखिए दोस्तों, बिल्कुल कोई कंपनी नहीं है इसकी। ये देखिए, बिल्कुल ये प्लेट लगा रखी है, ये सब फर्जी है दोस्तों। तो इस टाइप की मोटर आपके पास में आती होंगी शायद, सबसे ज़्यादा ये मोटर चलती है। कंपनी की मोटर तो बहुत कम लगाते हैं लोग, सभी में जो भी 12-11-12 हज़ार के अंडर में जो भी चक्की आती है उसके साथ में मोटर लगा के देते हैं, ठीक है। अधिकतर सबसे ज़्यादा मोटर यही पाएंगे आपको चक्की में, जहाँ तक मेरा कहना है। तो इसके अंदर जो डेटा लगा रखा कंपनी ने वो बिल्कुल गलत है दोस्तों। देखिए, इसकी नेम प्लेट पे 3 HP लिखा हुआ है, जबकि ये 3 HP की मोटर नहीं है। इसके अंदर डेटा निकला है, इसको अगर सही तरीके से अगर कैलकुलेट किया जाए सारा सब कुछ, तो ये 1.5 HP का पावर जनरेट करती है दोस्तों। 2 HP तक का ये पावर जनरेट करती है, 1.5 HP मान लो आप उसको, क्योंकि जो इसके अंदर वायर निकलता है वो तुम्हारी 1.5 HP की मोटर के अंदर निकल जाता है उतना सा। तो जो कंपनी की 1.5 HP की मोटर होती है ओरिजिनल, उसके अंदर इतना सा वायर तो उसके अंदर निकल जाता है। तो देखिए दोस्तों, अगर आप उसी डेटा में इसको बांध देंगे या फिर रिवाइंडिंग करेंगे तो 100% ये वापस आएंगी जल के। तो मैं आपको डेटा बताता हूँ, आपको डेटा कौन कौन सा चेंज करना है। तो मैं आपको डेटा दिखाता हूँ पहले डायरी में। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए, ये इसका स्टार्टिंग है, इसके अंदर 23 नंबर वायर है दोस्तों। 24, 33, 50, 5, 7, 9 की पिच में इसके टर्न है, और रनिंग के अंदर 4, 6, 8, 10 में है। ये देखिए 20 नंबर वायर है, 1 किलो 200 ग्राम टोटल रनिंग के अंदर वायर है। तो आपको इसको 20 नंबर को चेंज करके यहाँ पे 19 नंबर लगाना है, और यहाँ पे जो 23 नंबर है ऊपर इसको आप 22.5 या 22 लगाइए, ठीक है। और टर्न भी यही रहने दीजिए, तभी एक्यूरेट 2 HP का काम करेगी। जब भी 3 HP नहीं बनेगी दोस्तों ये मोटर, ठीक है, तो आप 20 की जगह 19 लगा के इसको रिवाइंडिंग करें तो अच्छा रहेगा दोस्तों, ये मोटर वापस नहीं आएगी। आप कस्टमर को बोल दीजिए पहले से इसको, यानी कि वही कस्टमर के सामने खोल के उसको बता दीजिए कि ये प्रॉब्लम है, इसके अंदर ये डेटा काम नहीं करेगा। तो आप ये डेटा डालिए दोस्तों, अच्छी तरीके से चलेगी ये मोटर फिर, ठीक है। मेरे साथ हो रखी है दोस्तों, पहले जब मैं शुरुआत में ये मोटर आई थी इसी प्रकार की, उनके अंदर यही समस्या आई थी। तो मैं इसलिए आप लोगों को भी बता रहा हूँ ताकि ये प्रॉब्लम आपके साथ क्रिएट ना हो। तो इस वजह से दोस्तों यही दिखाना था। तो इसके अंदर अब वायर लगेगा दोस्तों 1 किलो 600 ग्राम रनिंग के अंदर, 1 किलो 200 ग्राम की जगह 1 किलो 600 ग्राम इसके अंदर स्टार्टिंग के अंदर वायर लगेगा, और वो सॉरी रनिंग के अंदर, और स्टार्टिंग के अंदर इसके अंदर 400 ग्राम ओनली वायर निकला है टोटल 23 नंबर। तो इसके अंदर स्टार्टिंग के अंदर 600 ग्राम के आसपास वायर लगेगा, तब जाके दोस्तों ये एक्यूरेट 2 HP या 3 HP का काम करेगी, ठीक है। 3 HP का तो नहीं करेगी, 2 HP से ऊपर इसका ये पावर जनरेट कर सकती है, और आराम से आपकी चक्की की मोटर के अंदर ये चल सकती है। और साथ में इसके अंदर TOP निकलते हैं, और TOP लगाना भी ज़रूरी है, क्योंकि मोटर ओवरहीट होती है तो ऑटोमेटिक उससे बंद हो जाती है। मैं आपको दिखाता हूँ TOP किस प्रकार का होता है। तो देखिए दोस्तों, ये इसकी TOP है, ये यहाँ से थोड़ा जला हुआ है, लेकिन ये TOP को कोई भी नुकसान नहीं हुआ है, यहाँ पे TOP हमारी सेफ है। तो इसको भी साथ में लगाना ज़रूरी है, क्योंकि जब भी मोटर हीट होती है तो ये वाइंडिंग के अंदर लगता है। आप चाहो तो इसको स्टार्टिंग के अंदर भी लगा सकते हो, और रनिंग के अंदर भी लगा सकते हो। रनिंग के अंदर लगाओगे तो बेहतर रहेगा। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देनी थी मेरे को, ठीक है दोस्तों, मेरा फर्ज भी बनता है ये बताना। तो आज का वीडियो ये है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।